हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड पावर बटन से कॉल को कैसे काटें। जी हाँ फ्रेंड, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। और फ्रेंड, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में आप बड़े आसानी से पावर बटन से कॉल को काट सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें दो तरीके मैं बताऊँगा जो कि फ्रेंड आप बड़े आसानी से आप जो हैं पावर बटन से कॉल काट सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को आपको ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सर्च सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है फ्रेंड पावर एंड बटन कॉल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सेटिंग्स तो हर एक फ़ोन में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो उसके लिए दूसरे तरीका भी बता दूंगा। जैसे कि मैं इसमें सर्च मार लेता हूँ, ठीक है, इसमें मैं सर्च मार लेता हूँ पावर बटन एंड कॉल, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये आ चुका है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करना है, आपको ऊपर की ओर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऊपर की ओर सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे जो है पावर बटन एंड कॉल जो है इसको ऑन कर देना है। तो ये इनेबल हो चुका है, ठीक है। आपको कोई भी कॉल आएगा तो आप पावर बटन से जो है कॉल को उठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देख लेते हैं दूसरा सेटिंग, जैसे कि दूसरे तरीके से कैसे निकाला जाता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ऊपर की ओर करना है। अब देख लेते हैं एडिशनल सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद एक्सिस पॉइंट जो कि इस पे जो है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।